केंद्र में भाजपा के 4 वर्ष पूरे होने पर भाजपा मंत्रियों और विधायकों ने आज मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया। अलवर में सर्किट हाउस में सामान्य प्रशासन मंत्री हेम सिंह भड़ाना ने केंद्र की गरीबों के लिए चलाई गई जनधन योजना, उज्ज्वला योजना सहित विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला। इस दौरान जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा, विधायक ज्ञानदेव आहूजा, बनवारी लाल सिंगल, रामहित यादव, मामन सिंह यादव आदि मौजूद रहे। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत ने गति पकड़ी और जिस तरह से योजनाओं को लाकर के आम आदमी को धरातल पर लाभ देने का काम किया, इस 4 साल के अंदर माननीय मोदी जी ने जनधन योजना के माध्यम से 1 रुपया प्रति माह के भर से बीमा कराकर उस गरीब व्यक्ति को लाभ देने का काम किया। उज्ज्वला योजना के तहत उन महिलाओं को जिनको बहुत लंबे समय से धुएं से शरीर को नुकसान होता था, उसको गैस वितरण करके व्यवस्था 3 करोड़ से भी अधिक पूरे भारतवर्ष में गैस कनेक्शन दिया। 1 करोड़ से अधिक के लगभग प्रधानमंत्री आवास योजना, 1 सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से विदेशों को भी बता दिया कि भारत देश हमारा किसी से पीछे नहीं है, अगर दुश्मन का जवाब देंगे। पहली बार चीन ने भारत के सामने घुटने टेके, ढोकलाम के अंदर जिस तरह से सेनाओं का जमावड़ा उन्होंने किया और उन्होंने वहाँ पर से सेनाएं हटाने का काम किया। आज गरीब को आवास मिले, बेरोजगार को रोजगार मिले और स्किल और डेवलपर के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार माध्यम कराने की सुविधा दें ताकि वो जिस भी क्षेत्र में जाएं डिप्लोमा करके उनको चाहे स्वयं प्राइवेट क्षेत्र में जाएं चाहे सरकारी क्षेत्र में जाएं तो स्किल और डेवलपमेंट का जिस तरह से माननीय मोदी जी ने इस भारतवर्ष को आगे बढ़ाने का काम किया। 4 वर्ष पूर्ण होने पर आज 26 मई से 11 जून तक पूरे देश में, प्रदेश में, उसके साथ साथ अलवर जिले में जो कार्यक्रम चलेंगे उनकी संक्षिप्त जानकारी अभी दे रहा हूँ, विस्तृत जानकारी कार्यक्रमों के साथ आप तक आ जाए। आज हर जिले में जिला स्तरीय पत्रकार वार्ता हो रही है जहाँ अपने भी बैठे हैं और इसके साथ ही महिला मोर्चा ने खैरथल, अलवर, राजगढ़ में ट्रेन के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के ड्राइवर को, गार्ड को तिलक चंदन किया, यात्रियों का अभिनंदन किया 4 वर्ष के इस कार्यकाल की पूर्ति के उपलक्ष्य में। 27 मई को हर मंडल में किसी भी एक प्रमुख धार्मिक स्थल का स्वच्छता अभियान चलेगा और वहीं मोदी जी के मन की बात सुनी जाएगी। इसके अलावा 1 जून को युवा मोर्चा के द्वारा मोदी मैराथन दौड़ आयोजित होगी। 2 जून को युवा मोर्चा के द्वारा मंडल स्तर पर कमल संदेश मोटरसाइकिल रैली होगी। 4 और 5 जून को विधानसभाओं के शक्ति केंद्रों पर रात्रि चौपाल और लाभार्थियों से बातचीत मुलाकात होगी। 5 जून को अलवर में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन होगा। 7 और 8 जून को गांव के प्रवास और रात्रि चौपाल कार्यक्रम होंगे जिनमें जिले के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, पार्षद से लेकर विधायक हमारे सब किसी न किसी गांव में 7 और 8 को रात्रि चौपाल करेंगे, रात्रि प्रवास करेंगे। 9 और 10 जून को बृहद गृह संपर्क अभियान होगा, उसमें बूथ संपर्क अभियान और घर घर जाकर संपर्क होगा जिसमें सामान्य बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर हमारे विधायक, जनप्रतिनिधि सभी किसी न किसी घर पर संपर्क करेंगे। और 11 जून को हम जिला स्तरीय प्रमुख पदाधिकारी और सभी जनप्रतिनिधियों की, विधायकों की बैठक करेंगे कि नरेंद्र मोदी कृष्ण के स्वरूप हैं और भगवान विष्णु का अवतार मिलने का मैं दावे के साथ कहता हूँ। वो एक दिव्य शक्ति है और एक दिव्य हमारी उनके प्रति भक्ति है, आस्था है, निष्ठा है, उसके कई उदाहरण मैंने उनको दिए। और दूसरा विषय जो है वो राजस्थान के संदर्भ में है, सिद्धांतों के आधार पर मेरा कहीं विरोध माननीय सीएम साहब से, प्रदेश अध्यक्ष साहब, मैंने कहा अब मैं ज्ञानदेव आहूजा 6
छः महीने चुनाव में बचे हैं। मैं कमल का फूल का भक्त हूँ, भारतीय जनता पार्टी का भक्त हूँ, और बचपन में मैं 1998 में श्रीगंगानगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में गया। स्वयंसेवक बना तो राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति मेरे कूट कूट से भरी हुई है। अब मेरा ये कहना है, ओनली बीजेपी, फॉर दी बीजेपी, टू दी बीजेपी, बाय दी बीजेपी। सिर्फ बीजेपी के लिए हम लोग जियेंगे मरेंगे। अब कोई भी मुख्यमंत्री और कोई भी प्रदेश अध्यक्ष हों, इस वर्तमान शासन में जिस प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं लाई जा रही हैं वो सबके सामने है, सारा देश जानता है। एक एक व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है, करोड़ अरबों की संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मंत्री जी ने बताया है, ज्ञानदेव जी ने और हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया। मैं ये कहना चाहता हूँ अनुभव सहित, जैसे अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र है, केंद्र प्रवर्ती योजनाओं का पैसा पहले कभी नहीं मिलता था। जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, हमको ये पता लगा है NCR का पैसा जिले में कैसे आता है, मिशन अमृत का पैसा कैसे आता है, पानी के लिए पैसा कैसे आता है, स्वच्छ भारत अभियान के लिए पैसा कैसे आता है। इससे पहले हम सुनते थे केवल, यहाँ के लोगों ने प्रतिनिधित्व केंद्र में भी किया, राज्य की सरकारों में भी किया, लेकिन पैसा नहीं आता था। अब जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की विजन की सरकार आई है, तब से खूब लगभग 1200 करोड़ रुपए के विकास, जिनमें से बहुत बड़ी संख्या में पैसा, बहुत बड़ी मात्रा में पैसा केंद्र का है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, चूँकि योजनाएँ तो इतनी हैं जिनसे एक एक व्यक्ति देश का लाभान्वित हो रहा है। अभी 4 दिन पहले एक अनुभव सहित मैं बता रहा हूँ, एक महिला मेरे पास, 2-1 साल पहले उसकी शादी हुई होगी, उसके बच्चा, दोनों पति पत्नी आए, 6 माह का कुल बालक उनकी गोद में था, पृथ्वीपुरा के रहने वाले थे, बच्चे के 6 माह के बच्चे के दिल में छेद था। मेरे पास जब जनसुनवाई में आए, मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि इसका इलाज कैसे करें, पैसे जेब में नहीं थे। मैंने SMS हॉस्पिटल जयपुर में दिल के एक डॉक्टर से बात की, मैंने कहा साहब ये स्थिति है, इसका इलाज करना है, तो उन्होंने कहा आपके तो मोदी जी ने बहुत शानदार योजना लागू कर दी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, हमारी भी जरूरत नहीं है, आप अपने CMHO साहब से इनका एक फॉरवर्डिंग लेटर बनवा कर भेजिए और प्रधानमंत्री बाल स्वास्थ्य योजना PMBSY, ये योजना आज इस पत्रक में भी नहीं छाप पाए हैं हम लोग, प्रधानमंत्री बाल स्वास्थ्य योजना के तहत CMHO साहब से आप बात करिए, वो एक इसका प्रमाण पत्र जारी करेंगे। और देश के किसी भी बड़े बड़े अस्पताल में, चाहे वो फोर्टिस हो, चाहे वो मेदांता हो, ऐसे अस्पताल में उसका इलाज होगा। 4 साल के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद और तुष्टिकरण, वोट बैंक की राजनीति को खत्म करके आम जन में विश्वास, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों में भय पैदा किया। गरीब के दिल में मोदी बसे हैं और गरीबों के दिल में मोदी बसे हैं, मोदी के दिल में गरीब बसे हैं।